दोपहर का टाइम है, अब आई हूँ मैं छत पे। हाय हाय कितनी गर्मी, कितनी गर्मी। टेक्सचर्स को देखने आई हूँ, सोच रही हूँ मड बना के चली जाऊँ। चलो पहले मड के पास जाते हैं। देखो मैं कल उसको ढक के गई थी अच्छे से, ये मड पड़ी है, इसको भी मैं कल अच्छे से करके गई थी। एक ये देख लो, ये ओह कितनी गर्मी। मैं हर स्टील के बर्तन में, जो मैं ऐसे बर्तनों में जमा के गई जो स्टील के हों, या ऐसी कुछ प्लास्टिक की शिप्स जो मेरे से बनती ना आई, बनती ना हो, जैसे कि ये भी नहीं बनती, ये भी नहीं बनती है, और ये तो चलो पता नहीं अजीब सा ही प्लास्टिक है, तो ये और मैं इसमें भी जमा के गई। मैं कर देखूँ कैसी जमेगी। स्टॉप को ये स्टील का गिलास, ये तो मैंने डाला ना तो वैसे ही, ओ ये टूट भी गई, देखो ये टूट गई है। मैं तो सोची थी बस अकेले ही चल जाती, फिर मैं सोचा ब्लॉग भी बना लूँ। इसको शीट पे निकालती हूँ, एक मिनट देखें कैसी जमी है। मेरा इतना जी कर रहा है ना, मैं अभी ASMR के ब्लॉग देख के आई हूँ, मेरा जी कर रहा है कि मैं चारकोल वाली डॉट बना लूँ, मेरा जी कर रहा है मैं ग्रे डॉट बना लूँ, मुल्तानी मिट्टी बना लूँ। ये अच्छे से ड्राई नहीं हुई है ना अभी, इसलिए देखो मैं इतनी भर भर के बना रखी है ये, इतनी गर्मी है भाई। इसको मैं क्यों नहीं रखेगा, इतनी बढ़िया शेप खराब हो जाएगी। इसको मैं इतना कल खेल के गई हूँ इसमें, भाई नहीं आना चाहिए था छत पे इस टाइम। देखो कितनी बढ़िया है ये, आप लोगों ने बताया ही नहीं इसका क्या करना है, आप लोग कहना है आपने पूछा ही नहीं। वाओ यार, अब तो मैं बिल्कुल धूप में बैठी हुई हूँ। मैं इतनी मतलब देख लो, मैं इतनी एकदम क्रेविंग हुई कि नीचे मैं उनका ब्लॉग देख रही थी, मैं धूप में आ गई और पूरे 12 बज रहे हैं, बिल्कुल मेरे सिर के ऊपर सूरज आया पड़ा है। हाय हाय, मैंने वहाँ नहीं जाना, मैंने सामने देख के कहना है, इतनी धूप में भी इससे नहीं रहा जा रहा नीचे, इतनी बढ़िया हुई पड़ी है। फोन ना ओवर हीट हो जाए मेरा। ये देखो ये बकेट में जो बची थी ना, ये वो है, उसको भी मैं तोड़ के ले आई। ये तो इसको ही तोड़ देगी, बकेट में जब मैं लिक्विड सेपरेट करी थी ना तो बकेट में बची हुई थी। हार्ड मड तो बस डैम पे क्रम्बलिंग हो सकती है, वो भी बहुत औखी। बस बस क्यों ही मैं खिंडाई जा रही हूँ, चलो शाम को मिलते हैं, अभी देख लो। बस बस बाय बाय। सो 6 बज गए, अब आइए मैं देखा सूरज अभी तक सिर पे चढ़ा हुआ है। हाँ जी, तो क्या करें आज, चलो मड के पास चलते हैं। ठीक है, सुबह भी हम मड के पास ही थे, इसमें पता नहीं क्या होल से होने लग गए हैं। ये ना पीसेस सुबह बन गए थे ना, मुझे निकाल के रख देने चाहिए थे, अभी व्लॉग के लिए एकदम तैयार हो जाते। अब व्लॉग में मड की क्रम्बलिंग की देखने को मिलेगी आपको, बढ़िया
पता नहीं आज हवा क्यों नहीं चल रही। जिस दिन वीडियो बनानी होए उस दिन तो इतनी तूफानी हवा चलेगी है। आज हमें वीडियो नहीं बनानी, आज हम फ्री हैं। हाय मेरे तो गला ही सूखा पड़ा है, वेट है ये भी। इनको यहाँ पे रख देती हूँ, एटलीस्ट सूखेंगे तो। ये कल तक यहीं रख देते हैं, वैसे सूख ही जाएंगे। क्ले पॉट पे ग्राउंडिंग। देखो पूरी ड्राई हुई पड़ी है, इस पे तो चिपक गया है ये। मैं तो भूल ही गई थी ब्लॉग चल रहा है। चलो इनको निकाल देते हैं, ये भी बड़ा सेटिस्फाइंग लगता है। अच्छा इसमें अपनी ये स्लैब ना जमा लेती हूँ, देखना क्या यहीं पे मैंने इसकी क्रम्बलिंग कर दिया। रुको इसको यहाँ रखती हूँ अलग, और फिर इसकी अरेंजिंग ही दिखा देते हैं। ठीक है इसको उठा के यहाँ पर डालती हूँ, क्रम्बलिंग करेंगे जी। दिल थाम के बैठी है, अपना अपना कुर्सी की पेटी भी थाम के बैठी है। मैं सोची थी कल आते हुए ना, कल सोची थी कि आज आते हुए मैं वो हथौड़ा वो खुरपा लेके आऊँगी, सो दैट कि वो हम ना हमारा जो ग्रिटी सैंड है उसका वो पहाड़ जो हमने बनाया वो तोड़ेंगे और मज़े से अच्छे अच्छे वो निकाल लेंगे उसमें से चंक्स, और फिर करेंगे करामबलाइंग। ये वेस्ट होएगा। अब देखो मैं इसको संभालती हूँ, तो मेरी तो पूरी वाइट जीन्स ना पाउडरी हो गई है, पता नहीं दिख रहा है कि नहीं। हाँ चलो अब इसको रख देते हैं यहाँ पे अच्छे अच्छे से छोटे छोटे पीस ऊपर। अपना प्लेटर कल के लिए तैयार करके जा रहे हैं। ठीक है मैं तो सोच रही हूँ प्योर जो नई वाली मड है उसको भी आज जमा दूँ, सो दैट कि वो भी हमारा काम चला दे। ये तो सूखा ही नहीं, पता नहीं इसमें स्टील में ना सूखते लेट है। अब मैं प्लास्टिक वाले निकाल के दिखाती हूँ आपको, फटाफट निकल जाएंगे। ये देखो मेरे को ना बहुत सारी चीज़ें मंगानी थी जो अभी मंगाई जा सकती है। देखो निकल जाओ, निकल ही नहीं रहा ये, तो इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, कल आके देखते हैं इसको। हाँ तो मैं क्या कहती थी, मुझे मंगानी है, पर वो मंगाने वाला बंदा ही एक बार उसको पैसे मिल गए वो ज़्यादा ही खुश हो गया। उसको था कि बस बहुत कमा लिया मैंने, अब और नहीं कमाना मैंने। पता नहीं अब तक उसकी वो खर्ची ख़त्म नहीं हुई क्या, जो वो आ ही नहीं रहा और काम करने भाई और पैसे मिलेंगे, या उन खर्ची का उन्होंने इन्वेस्ट करके उसने ज़्यादा बना लिया हूँ, ऐसा भी हो सकता है। ये गिलास वाली तो कहाँ ही सूखेगी, देखो बिल्कुल लिक्विड ही है। इसको थोड़ा ऊपर ड्राई टेक्सचर डालते ताकि मॉइस्चर ये एब्जॉर्ब कर ले और इसको जल्दी से ड्राई करे। ये निकालते हैं छोटी कटोरी, ये इसकी शेप मैंने कभी बनाई नहीं है, अब मैं ना छोटी छोटी शेप पे बनाऊंगी ताकि ब्लॉग में अच्छे से क्रम्बलिंग होए, अच्छे से सेटअप क्रम्बलिंग होए। ठीक है, और आज आपने बताना है क्वेश्चन, आज फिर एक आस्क करने जा रही हूँ कि आपको किस तरह की क्रम्बलिंग वीडियोस पसंद है, मतलब ड्राई वाटर, और मेरे पास तो वो थर्माकोल बॉक्स है कहते हैं, और कार्डबोर्ड वाला बॉक्स है, तो उस पर किस किस पे आपको पसंद है। और ऐसा नहीं है कि मैंने किसी पर क्रम्बलिंग करी नहीं रखी, हाँ कार्डबोर्ड वाले पे एक बार कर रखी है, एक बार वो नया ही आया है ना अभी, और बहुत साल पुराने ही देखोगे तो पता चलेगी कि और भी कर रखी है कार्डबोर्ड पे, क्योंकि बहुत पहले मेरे को नया नया शौक चढ़ा था कार्डबोर्ड पे करने का।
इतना गंदा लगता है ना, और ना हाथों से भी नहीं रगड़ने से निकलता ये। देखो चलो कोई बात नहीं। हाँ, ये भी इसमें मैंने एक्सपेरिमेंट करा पहले। हुई मैंने किसी में सीमेंट भी तो मैं लाया था, मैं भूल ही गई अब तो। हाँ इसी में मैंने लाया था, इसमें सीमेंट मिला हुआ है। अब कैसे याद रखूँ आप लोग बता देना, क्योंकि मैं कल आई सारे मिक्स करके मैंने क्रबलिंग करके जाना है। इसमें सीमेंट मिला हुआ है, सो देखते हैं कि सीमेंट डाल के एक्स्ट्रा सॉफ्ट हुए या एक्स्ट्रा हार्ड। और इनमें भी मिला है सीमेंट, मैंने बता ही दिया। चलो अगर जो ज़्यादा हार्ड हो गए काम खराब, सॉफ्ट हो गए तो अच्छी बात है। अच्छा इसकी क्रम्बलिंग नहीं हुई है बहुत टाइम से, इसकी और इसकी। चलो करते हैं फिर शुरू अपना कार्य। उठ जाए शेप, उठ जाए। वाह कहाँ रखूँ इसको। ओए होए वाह, धूल इतनी दूर तक गई है ना, लाल लाल। हाँ अच्छा ये पूछ रहे थे आपने, ये क्यों टाइल के टुकड़े रखे हुए हैं। लगता है फिर आप मेरे व्लॉग कंटिन्यू नहीं देखते, जिसको ये क्वेश्चन है। प्रिचिता को है, प्रिचिती को क्वेश्चन है। ठीक है ये भी क्रम्बल कर लेते हैं। कितनी धूल उड़ गया, पता नहीं कैमरे में दिख रही है कि नहीं, क्योंकि कैमरे पे सिर्फ मड डॉट हो गया, क्योंकि मैंने वो पूरी शीट झाड़ दी थी। इस टेक्सचर की धूल अलग है, देखो कहाँ कहाँ तक पहुँची है। और क्या क्रम्बल करें। हाँ ये देखो इसमें मैंने वो उसके ऊपर शेप लग दी, क्योंकि वो अच्छी नहीं बनती, उसका सरफेस अच्छा नहीं था। ये भी क्रम्बल करते हैं, मैंने गुलाब सारे धूप में ही छोड़ दिए। ये मैंने एक मार्क के लिए रखे थे, मैं पहले ना ऐसे रख के जाती थी मुझे जिसकी सुबह वीडियो, क्योंकि ना मैं पहले इतनी वेली होती थी जब मैं और भी छोटी होती थी और वीडियोज़ रिकॉर्ड करा करती थी, मेरा मन बहुत बदल जाता था। जैसे मैंने सोचा था कि मैं आज इसकी वीडियो बनाऊंगी, पर मैं कल जाके मेरे को वो क्यूट लग गए, ये क्यूट लग गए, तो ऐसे ऐसे कर लेती थी, किसी की भी वीडियो बना लेती थी है। पर फिर मेरे को ये था कि नहीं, सब टेक्सचर की बराबर बारी आनी चाहिए, तो इसलिए मैं ये टाइल्स के टुकड़े ना रख के जाती थी कि भाई हाँ इसकी वीडियो बनानी है सुबह आके। और ना तब तो मैं एक टाइम पर डेली ही 6-7 टेक्सचर की वीडियो बनाती थी, अगले दिन उन 6-7 की शेप्स बना के, फिर अगले दिन 6-7 अलग टेक्सचर की वीडियो बनाती थी, क्योंकि तब मेरे पास इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं होती थी, थोड़ी बहुत होती थी। और मेरे को याद है मैं एक दिन में 4-4, 5-5 वीडियो डाल देती थी। ये भी क्रम्बल करते हैं। चलो कितने बढ़िया चंक है, ये क्रम्बल करें। एक ये छोटा सा पीस उठाते हैं, इसका कलर ना इतना ग्रेइश है, और फोन फोकस कर। इसमें सीमेंट थोड़ा सा और ऐड करती हूँ, ज़्यादा नहीं, कहीं है, सिर में मारने से फूटे। इतने सुंदर दिल बनाए थे मैंने, इनके ऊपर कचरा कर दिया। चलो छोड़ो, एक ये भी क्रम्बल करके देखते हैं कि हार्ड तो नहीं हो गया, क्योंकि पता नहीं मैं इसको टेक्सचर को भूल गई कि यार इतने सुंदर कप्स भी बने हुए हैं मेरी छत पे। ये छोटा है ठीक है, कम टेक्सचर का जो होता है। मेरे को लग रहा है आज साउंड नहीं आ रहा होगा, क्योंकि ना बहुत शोर है। ब्लॉग तो ख़त्म होने वाला है, 11 मिनट का ही बन सकता है। हाँ तो ये एक प्योर की क्रम्बलिंग ग्रिटी क्रम्बलिंग हुई है ठीक है। बिल्कुल थोड़ा सा ब्लॉग बचा अब, जिनकी आज मैंने वीडियो बनाई हो पानी छिड़क के जाना है आज मुझे। किसी का फोन बज रहा है सामने, टुनक टुनक। जहाँ तक जिसने भी देखा है ना ब्लॉग, वो मुझे टुनक टुनक लिख के भेज देगा जो भी देख रहा है, ताकि